Adam Becca! Rang di Adam Becca! जब तक सूरज चांद रहेगा अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आरक्षण का छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण का छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। आधार से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। यह आप देख सकते हैं बहुजन समाज के अंदर काफी जोरों शोरों से जो ये उत्साह है, जो एक नाराजगी है एससी एसटी में, जो आरक्षण में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, इसको लेकर बहुजन समाज में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। यह आप देख सकते हैं जो कि सड़क पर एक हापुड़ के अंदर, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद है, जो कि आप देख रहे हैं बीच बीच में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से समाज के अंदर एक जोश है और एक नाराजगी भी है, क्योंकि एससी एसटी में जो ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया, इसको लेकर एक नाराजगी है। और वहीं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल, जो कि एक बहुत विशाल प्रदर्शन यहां से निकाला जा रहा है, काफ़ी भीड़ है पीछे, और ये हापुड़ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो भव्य विशाल प्रतिमा है वहाँ से स्टार्ट किया गया है। और अब जा रहे हैं, हम बात करेंगे अतुल खोड़ावाल जी से कि आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि सड़क पर बहुत यहाँ पर व्यवस्था भी थोड़ी सही है, शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा है। जी देखिए, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है ये संविधान विरोधी है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ है। आज देश को बांटने का काम किया गया है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुजन जनता दल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी बहुजन आक्रोश मार्च निकालेगा और सरकार के खिलाफ मोर्चा खेलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम मांग करते हैं वो पहले की तरह आरक्षण को बहाल करे और संविधान की 9वीं सूची में आरक्षण को शामिल किया जाए, क्योंकि समय समय पर कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कभी संसद भवन के द्वारा, कभी अभिनेता अभिनेत्रों के द्वारा संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाती है और हमारे लोगों को इल्जाया जाता है। हमारे लोग इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ जन मोर्चा खोला गया है जिसका नाम है बहुजन आक्रोश मार्च, जो हर जगह चलेगा। देखिए, अभी 2 दिन पहले मेरठ से शुरुआत की जा चुकी है और आज हापुड़ में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। समय हापुड़ के डीएम कार्यालय पे आ गए हैं और अब आपको यहां से सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। अब डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा और समाज के अंदर एक काफी आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एससी एसटी में वर्गीकरण किया गया, फैसला सुनाया गया, उसको लेकर जो आज समाज के अंदर काफी जोरों शोरों से रोष है और ये एक पैदल मार्च निकाला गया है। हापुड़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा से शुरुआत की गई और ये आज डीएम कार्यालय पे समाज एकत्र हुआ और काफी संख्या में, तादाद में यहाँ पर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये सारे अधिकार, कानून बनाना, संविधान में कुछ अमेंडमेंट करना या कोई संशोधन करना, सदन का काम है, पार्लियामेंट का काम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये तो तानाशाही हो गई। किसी का भी चाहे कोई अधिकार खत्म कर दे, किसी पर भी चाहे कोई टिप्पणी टिप्पणी कर दे। इसी प्रकार से अब से पहले ओबीसी में क्रिमिनल लागू किया गया, जबकि ओबीसी में भी बेचारी जो जातियां हैं उनकी बहुत माली स्थिति है, उन्हें रोटी खाने को नहीं है, रोजगार उनके पास नहीं है, लेकिन उन्हें भी क्रिमिनल लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनको दोबारा नहीं मिलेगा। बताइए, इसकी कोई सही बात है क्या? हमारे समाज के पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर इतनी दर्द भरी स्थिति है तो उसको बयान नहीं किया जा सकता। हमारे लोगों को रोज काटा जा रहा, मारा जा रहा है, बहनों के खुलेआम रेप किए जा रहे हैं, ऐलानी कत्ल किए जा रहे हैं। अभी कल परसों की रायबरेली की घटना है, हमारे समाज के पासी समाज के युवक को घर से बुलाकर गोली मार दी गई। इस प्रकार का उत्तर में, उत्तर प्रदेश में तांडव मचा पड़ा है, जातिवाद बहुत ज्यादा हावी हो गया, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सुन नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही, तो होती है। इसमें सारे आर्टिकल, सारे अनुच्छेद, किस किस प्रकार से ये संशोधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और ये सारा जो राइट है महामहिम राष्ट्रपति जी को है और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, जिसको बहुजन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, ये हम शासन का पूछ सकते। ठीक है, और जो हमारा ये वापस नहीं होता है तो 21 तारीख का हमारा पूरा भारत बंद का ऐलान है, जिसकी हम लोगों में तैयारी कर रहे हैं, संवैधानिक शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद।
है, बहुत बहुत धन्यवाद।